हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर समीर पुनिया, पेडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्लीडिंग प्रॉब्लम के बारे में, जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया होता क्या है? ये एक बॉडी के अंदर एक क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण पाया जाता है, जिसके कारण थोड़ी सी लंबी ब्लीडिंग होती है। हीमोफीलिया दो टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, जो बेसिकली फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। और ये हमको जानना ज़रूरी है कि बच्चे को किस टाइप का हीमोफीलिया है, बिकॉज दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब हीमोफीलिया होता है तो बच्चे को क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हमें पता होना चाहिए। बच्चे को यूजुअली ब्लीडिंग होती है, तो कई बार प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, ब्लड रुकता नहीं है, शरीर के अंदर क्लॉट बनते हैं, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, या कई बच्चों को बहुत माइल्ड मस्कुलर पेन होता है, जो बेसिकली मसल की ब्लीडिंग के कारण होती है। कुछ सीवियर केसेस के अंदर जब ब्लीडिंग इंटेस्टाइन में होती है तो पॉटी के अंदर ब्लड निकलता है, किडनी के अंदर होती है तो यूरिन में ब्लड निकलता है, ब्रेन तो दौरे भी पड़ते हैं, ये सीवियर केसेस के अंदर पाया जाता है। अब आपके बच्चे को हीमोफीलिया है या नहीं है वो चेक करने के लिए यूजुअली ब्लड टेस्ट किया जाता है, और ये फैक्टर के बारे में टेस्टिंग की जाती है, कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी है। अब जब बच्चे को हीमोफीलिया डायग्नोस होता है तो अपने अपने हेमाटोलॉजिस्ट या पेडियाट्रिशियन से आप कंसर्न करें और वो आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। यूजुअली इसका ट्रीटमेंट होता है, जो फैक्टर की डेफिशिएंसी है वो फैक्टर का इंजेक्शन बच्चे को देना पड़ता है, ताकि वो ब्लीडिंग रुक सके। अब जब भी ये फैक्टर दिया जाता है तो उसके साथ में फैक्टर के लेवल्स चेक किए जाते हैं, एज वेल एज़ उनके इनहिबिटर्स भी चेक किए जाते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में जहाँ सीवियर कंडीशंस होती हैं, वहाँ आप फैक्टर देने के बावजूद भी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना के रिएक्ट करती है और वो के अगेंस्ट फैक्टर वर्क नहीं करता है, तो फैक्टर की डेफिशिएंसी के साथ साथ फैक्टर के कोगुलेंट्स भी हमको चेक करने पड़ते हैं। अब अगर आपको हीमोफीलिया है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जिस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आपको हीमोफीलिया होता है तो आपको कभी भी कोई सर्जरी करानी है या कोई ऑपरेशन कराना है तो आपको अपने डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि इसको फैक्टर की डेफिशिएंसी है। यूजुअली जो दवाइयाँ होती हैं, यूजुअली जैसे एनसेड्स होती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी ब्लीडिंग एग्रीवेट हो सकती है। बच्चे की डेंटल हाइजीन को अच्छा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गम ब्लीडिंग भी इसके अंदर कई बार प्रोलॉन्ग चलती है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बच्चे का टेस्ट इंट्रायूटराइन करा सकते हैं, और सीवियरिटी जो होती है वो मेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, तो आपके जो कंसर्न्ड डॉक्टर हैं वो आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। हीमोफीलिया एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है, पर इसको अगर फैक्टर दिया जाए तो बच्चा अच्छी तरह ट्रीट होता है। थैंक यू।